हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिनों मैं हूँ घर में, महाकाल में अपनी मम्मा के पास आई हूँ। मम्मा के घर में आई हूँ और खूब सारी मस्ती, खूब चहल पहल यहाँ पे हो रही है। मौसम बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कितनी प्यारी सनशाइन, कितनी खूबसूरत ये धूप है। तो इस धूप के मज़े लेते हुए ही आज मैं, ईशान और आयन, हम तीनों ने प्लान बनाया है कि क्यों ना महाकाल मंदिर में चले और साथ में ये देखे गाइस क्या बिजी कर रखे हैं दोनों। ए क्या बाहर आने निकलते हैं, देखो तो हम निकल रहे हैं घर से, ये ईशान और आयन। हे गाइस, आज हम कहाँ जा रहे हैं? बैजनाथ। उससे पहले हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए। ये देखो हम जा रहे हैं, ये हमारा रास्ता है यहाँ से। और ईशान ने तो आज बड़ी सुंदर ब्लैक जैकेट डाली और आयन, दोनों भाई आज ब्लैक ब्लैक थीम में और मम्मा रेड में। फंक्शन हो रहा है और चाचा जी खड़े हैं ना और ये बर्तन उठाए जा रहे हैं, गाँव के बर्तन और आशीर्वाद आशीर्वाद। चलो बाय करो, बाय बोलो इन्हें। कहाँ जा रहे हो? बोलो शाम को आए। चलो निकलो। ये देखो कैसी बातें चली हुई है इनकी। ये चाचू हैं ईशान के, चाचू नहीं सॉरी मामू। बाय बाय। रुक रुक रुक, हम महाकाल मंदिर भी पहुंच गए। ये मंदिर है, घर से निकलते ही हमारा मंदिर। हाँ चलो, तो हम पहुंच गए महाकाल मंदिर में। तो ये है महाकाल मंदिर और ईशान और आयन तो मुझसे पहले ही पहुंच गए हैं। आज यहाँ पे कोई नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, तो दर्शन करते हैं महाकाल जी के। तो ये है स्वयं प्रकट शिवलिंग, कहते हैं शिवलिंग में जल डालने से बहुत हमारे पाप, हमारे दुख कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। और वैसे भी हम तो भक्त हैं ही बाबा महाकाल के। जय बाबा महाकाल। चलो फ्रेंड्स, अब हमने महाकाल मंदिर तो देख लिया और चलते हैं शनिदेव जी के मंदिर में। ये है शनिदेव जी का मंदिर। अरे ये कौन मेरे पीछे, आप देख सकते हैं जरा, ये पूजा कर रहे हैं, इनसे ना मैं आपको अभी बात करवाती हूँ। ये सर है, ये जो है हेलो सर, नमस्ते। आज मैं आज बस यही मंदिर में, आप यहाँ पे कैसे, आप बताइए मुझे। आप तो हमेशा हमने पहाड़ों वाली गुफाओं में देखा है, रहस्यमय गुफाओं में देखा है, तो आज मंदिर में एक डिफरेंस। ये जो है इनके बारे में जितने शब्द मैं कहूँ शायद उतने ही ये कम है। इन्हें अक्सर देखा जाता है बैजनाथ के घने जंगलों में, कुछ इनकी वीडियोस में, कभी गुफाओं के अंदर, ऐसी जगह जहाँ पे जाना तक मुश्किल होता है, एक आम इंसान को जाना मुश्किल होता है। तो ये है मुनीश दीक्षित जी, बैजनाथ का एक बहुत ही फेमस चेहरा, जिन्होंने अपनी व्लॉगिंग से, अपनी रिपोर्टिंग से, अपनी पत्रकारिता से अपने बैजनाथ को एक नाम दिया है। तो ये है हमारे मुनीश दीक्षित जी। प्लीज सर कुछ बताइए कि कैसे, मींस आप सबका इंटरव्यू लेते हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपका इंटरव्यू लूँ। तो प्लीज आप मुझे कुछ बताइए कि कैसे आपने ये शुरू किया और आप कैसे अपने इस चैनल को। फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने सर से बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ पूछा उनसे, बहुत कुछ हमें जानकारी भी मिली जो कि मैंने अपने बैजनाथ पपरोला न्यूज़ चैनल जो है सर का, उसमें शेयर की है ये वीडियो। तो आप ज़रूर उस चैनल को देखें ताकि आप और गहराई से सर को जान सकें। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, अभी मुझे मिले मुनीश दीक्षित जी जो कि बैजनाथ का बहुत ही फेमस चेहरा है और मुझे बहुत खुशी हुई। जो हमें सीखने को ये मिलता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, बस ज़रूरत है उसे सच्ची लगन से करने के लिए और अच्छी तरह से करने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये मेरी व्लॉगिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।